ओम शांति, ओम शांति। कैसे भगवान खिलाता है वो भी बताता है। आपने सुना भी होगा, पहले बताया कि पता नहीं, जब साकार में ब्रह्मा बाबा था तब बैगरी पार्ट था, इतना कुछ नहीं था। बाबा बच्चों के साथ बैठ के खाना खाता, अकेला नहीं खाता, सभी बच्चे और बाबा भी बैठे थे जमीन पर। तो बाबा भी खाना खाने पहुंचा, सभी लोग बैठे हैं, और जो खाना खिलाने वाली बहन ने एक शब्द बोला कि दोबारा दाल मांगना नहीं, एक ही दफा मिलेगी। बाबा रूठ के चला गया, कुछ नहीं बोला। अरे बाबा जाके कमरे में बैठ गया अपना। तो दादी देखा था बाबा सब लोग खाना खाने बैठे, आप चलो ठहरो मैं बाबा से बात करता हूं। फिर दूसरी दादी के बाबा सब लोग बैठे, आप चलो ठहरो बाबा से बात करता हूं। और 5 मिनट के बाद आया, खाना खाने बैठा। तब तक पहले सभी बहनें थी और दीवार भी नहीं थी चारों तरफ, तो एक बहन वॉचमैन का काम करती थी, पहरा देती थी बाहर। तो एक बैलगाड़ी वाला मार्केट में अनाज ले जा रहा था बेचने के लिए, और वो दीवार में थे, अंदर घुस के आ गया। उसको उस बहन ने कहा, भाई जी ये आम रास्ता नहीं, इधर में आप उधर से जाओ। नहीं, मुझे अंदर ही आना है। माना नहीं, अंदर घुस के आ गया गाड़ी लेकर, और मुझे सामान इधर उतरना है। उसने कहा, नहीं ये तो अपना आश्रम है, आप बाहर मार्केट में उधर से जाओ। नहीं गया। तो उसने जा करके बहन ने बाबा को बताया, बाबा ऐसा एक बैलगाड़ी वाला लेके आया, मानता ही नहीं है, बच्ची को हर जाने, अभी समय दिन में खाने खाने का समय है, उसको पहले खाना खिलाओ फिर मेरे से मिलाना। बाबा भी खाना खा रहे, तो उसको आके खाना खिलाया, फिर बाबा से मिला, बाबूजी मैं मार्केट में ले जा रहा था अनाज बेचने के लिए, दाल सब्जी सब कुछ है, दे ही रहा था, मुझे कहा जाके उधर दे दो और मैं इधर गाड़ी से खाली करके जाऊंगा, सारा अनाज वहां डाल के, दाल की बोरियां थी सब छोड़ करके गया। किसने भेजा उसको? किसने भेजा? किसने बोला बात क्या? तब बाबा ने कहा, ये मेरे बच्चे नहीं आपके हैं। करण करावर हार भगवान खिलाता है, सिर्फ आपका संकल्प। आपको भी कुछ देने के लिए, करने के लिए बाबा संकल्प देता, बच्चे ये काम करो। आपको संकल्प में आपके पास है भी, संकल्प भी नहीं आएगा तो बाबा को पता है किसका सफल करना चाहिए, किसका भाग्य बनाना है और किसका नहीं बनाना है।